गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विभास लाइफ में। होप करती हूँ ठंड में, इतनी ठंड में सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। अभी देखिए सुबह का बज रहा है 5 और मेरे यहाँ मॉर्निंग ड्यूटी चल रहा है, तो अभी हम उठे हैं इनको खाना बनाने के लिए। तो अभी देखिए मेथी साग भूनेंगे पहले, तो मेथी साग भूनने के लिए उसको मेथी को हम साफ़ कर लिए थे शाम को ही, इस टाइम बस धुले हैं और इसको बारीक बारीक काट रहे हैं। और इतना ठंडी है भैया, बाहर तो बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा। आज तो लग रहा है बिल्कुल धूप नहीं निकल, तो थोड़ा मोड़ा हो गया था धूप। 1 तारीख का हल्का फुल्का धूप दिखा था, फिर 5 को दिखा है, फिर आज पता नहीं, आज तो मुश्किल है कि धूप दिखे। तो अभी हम मेथी साग भूनने के लिए हल्का सा सरसों तेल डाल लिए हैं। देखिए बहुत ही ज़रा सा सरसों तेल है, और इसमें फ़ौरन में डालेंगे तड़के में लहसुन, बस इसमें मिर्ची उर्ची नहीं डालते हैं हम मेथी साग में। मेथी साग वैसे भी कड़वा होता है, तो उसमें मिर्ची नहीं डालते, ये बस लहसुन डालते हैं। तो लहसुन को डाल करके इसको अच्छे से एकदम भून लेंगे लहसुन का कलर चेंज होने तक। उसके बाद इसमें मेथी साग डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल लेंगे नमक। नमक डालते ही ये पूरा गल जाता है, ये देखिए नमक डाल के एक बार चलाइए, साग पूरा अच्छे से गल जाएगा। तो ये मेरा साग जब से अभी हो रहा है तब से हम लहसुन और मिर्ची काट लेंगे। आज हम खाने में बनाएंगे चना और बथुआ का चोखा, चना बथुआ साग का चोखा, मेथी का ये भुजिया और रोटी दाल। तो दाल अभी हम चढ़ा दिए हैं और मेरा मेथी का भुजिया हो चुका है। और उसके बाद अब बनाएंगे बथुआ साग और चना साग का ये चोखा। तो बथुआ साग और चना साग हम कल ही इसको धुल के काट के उसके बाद हम इसको उबाल लिए थे। नमक नहीं डाले इसमें, कुछ भी नहीं डाले हैं, बस साग रख के उसमें हल्का सा पानी डाल के उबाल लिए हैं। और अब इसका आज चोखा बनाएंगे। तो चोखा के लिए हम तड़के में कोहड़ौरी डाल दिए हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे, हींग और कोहड़ौरी। उसके बाद इसमें लहसुन और हरा मिर्चा काट करके डाल दिए हैं। ये मेरा एकदम अच्छे से लहसुन मिर्चा भुना जाएगा। उसके बाद ये हम पानी इसमें का निकाल लिए हैं, साग में का जो पानी निकाले हैं उसको फेंकेंगे नहीं, उसको रखे हैं। उसको आटा गूंथेंगे तो उसमें डाल करके आटा गूंथ लेंगे, क्योंकि पूरा बथुआ और चना साग का विटामिन पानी में ही है। हम बेसन वाला साग तो इतनी बार बनाए हैं, तो ये बोले आज बेसन वाला मत बनाओ, आज चोखा बनाओ, तो हमको ये ठीक है। हमको लगा हर तरीके से बना के खाना चाहिए, तो ऐसे भी हम लोग सुने थे बनाने के लिए, तो हम कहीं आज ट्राई करते हैं। तो चना साग बथुआ को उबाल करके उसका पानी अच्छे से निचोड़ दिए हैं। उसके बाद लहसुन मिर्चा और हींग और कोहड़ौरी का सरसों तेल में तड़का लगा के उसके बाद इसमें नमक डाल दिए हैं। फिर इसको अच्छे से 5-10 मिनट तक भून लेंगे और ये तैयार हो जाएगा मेरा चना और बथुआ का चोखा, सॉरी चना साग और बथुआ साग का चोखा। तो ये मेरा खाना बन चुका है, हम रोटी भी बना लिए और मेरा चोखा बन गया, मेरा साग तो भुना ही गया, और दाल अभी मेरा नहीं हुआ है, दाल पक रहा है। तब से हम अपना पूरा साफ़ सफाई कर लेंगे, ये अपना स्लैब भी हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम पूरा झाड़ू लगा लेंगे, तब टिफ़िन बाद में भरेंगे, दाल हो जाएगा तब। तो अभी मेरा अभी दाल पक रहा है, दाल हम लेट में रखें और हीटर भी मेरा थोड़ा धीमा चल रहा है, और टाइम भी था तो इसीलिए हम चूल्हा पर नहीं रखे, हम सोचे हो जाएगा हीटर पे। तो अभी हम झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद इनका टिफ़िन लगाएंगे। और पानी भी आ गया है, 6 बज गया, तो बाहर ये गमले में पानी देने के लिए ले जा रहे हैं बाल्टी से। आजकल ठंडी में रोज़ पानी नहीं देते हैं गमले में, हम लोग के तरफ धूप भी नहीं आता है, तो इसलिए रोज़ नहीं देते हैं, कभी काल दे देते हैं, मतलब 2-3 दिन पर दे देते हैं पानी। तो अभी पानी आया है, तो ये अपना बाल्टी से दे रहे हैं पानी, और हम झाड़ू लगा करके उसके बाद टिफ़िन भरेंगे।
ठंडी, इतना ठंडी लग रहा है ना कि हम बता नहीं सकते। आप लोग की तरफ पता नहीं धूप हो रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा किस किस को, केवल हम ही को ठंडी लग रहा है या हर किसी को लग रहा है। इस साल तो हमको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और ये देखिए बाहर का मौसम, हम अभी बाहर झाड़ू लगाने निकले हैं तो ये देखिए सुबह 6 से ज़्यादा हो गया, 6:05 या 10 मिनट हो रहा होगा। अभी हम झाड़ू लगा रहे थे तो 6 बज रहा था। तो अभी मौसम देखिए बहुत ही कुहासा है और एकदम मतलब धुंध है, एकदम बादल है। आज भी धूप तो बिल्कुल नहीं निकलेगा भाई, गारंटी है ये तो। ऐसा मौसम देख के लग रहा है धूप बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो आज भी दिन भर घर में ही बीतेगा। दिन भर घर में, अभी देखिए मेरा हीटर तेज हो गया है तो ये दाल भी मेरा पक गया है। अब इसको हम तड़का लगा करके उसके बाद टिफ़िन तैयार कर देंगे, उसके पहले सलाद काट लेंगे, फिर टिफ़िन तैयार करके इनको ड्यूटी भेजेंगे पहले। तो फ्रेंड्स ये ड्यूटी अभी नहीं गए हैं, अभी इनका टिफ़िन तैयार करके हम रखे हैं, ये आगे अपना सामने वाले रूम में कपड़ा पहन रहे हैं। हम भी पानी लगा दिए हैं नहाने के लिए, तो हम चल रहे हैं हम नहाने, क्योंकि अगर हम अभी नहीं नहाएंगे तो फिर हम नहीं नहा पाएंगे। अगर अभी हम बिस्तर में घुस गए कंबल में, मेरा काम तो पूरा हो गया, अगर कंबल में घुसेंगे तो फिर नहाने में हमको ठंडी लगेगा, आसकत लगेगा। तो इसीलिए इसी टाइम हम अपना पानी गर्म कर लिए हैं, अब चल रहे हैं नहाने। तो फ्रेंड्स अभी हम नहा लिए हैं और वो ड्यूटी चले गए हैं, अब हम चल रहे हैं। आज हम गर्म पानी नहीं पिए हैं, सुबह काम में ही लग गए थे, अब चल रहे हैं पहले अपना गर्म पानी पियेंगे। पहले स्वेटर साल ज़रूरी है भाई, इतना ठंड में ना कि नहाने के बाद भी ठंड लग रहा है। तो अभी हमको पानी पिए, आधा घंटा हो चुका है, अब हम चल रहे हैं नाश्ता करने। तो नाश्ता में यही है अभी, दाल का पानी और मेथी साग जो भुने थे और उनको टिफ़िन में दे दिए हैं, थोड़ा सा अपने लिए रख लिए हैं। तो बस अब मेथी साग और दाल का पानी पियेंगे, उसके बाद थोड़ा बिस्तर में घुसेंगे, मोबाइल चलाएंगे, थोड़ा देखेंगे मैसेज, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो अभी देखिए टाइम हो गया है, 10 बज गया है और नींद तो आ नहीं रहा था मेरे को। हम सोचे कि थोड़ा सा सो लें, 12 बजे उठ के बनाएंगे चावल, तो नहीं, नींद नहीं आया, सोचे चलें चावल बना लें। और ये बैंगन लेके आए हैं, इनको बैंगन जबकि खाना नहीं है, ये खाते नहीं हैं, इनको फिर भी बैंगन लेकर आए हैं कि एकदम अच्छा अच्छा दिख रहा था तो तुम अपने लिए बना लेना। तो हम सुबह नहीं बनाए थे, इनको नहीं खाना था, इसलिए हम सोचे हम अपना बाद में बना लेंगे। तो ये बैंगन को हम धुल लिए हैं अच्छे से, इसका डंठल काट के इसको लंबे लंबे फाकी में देखिए ऐसे काट लेंगे। और ये ना बस 2 मिनट, ये मैगी से भी जल्दी ये तैयार होता है और टेस्टी बहुत लगता है ये फटाफट से। आप इधर आप अपना खाना अगर गरम करना है तो आप गरम करते रहिए और इसको आप फ्राई कर लेंगे, तुरंत ही हो जाता है। मैगी से भी जल्दी ये बनने वाला सब्जी है, सच्ची बता रहे हैं, आप लोग बना के देखिएगा। तो बस इसको अभी हम काट लिए हैं और चावल रख दिए हैं, ये देखिए पतला पतला स्लाइस हम बैंगन का काट लिए हैं। ये छोटा बैंगन था तो एक मतलब एक बैंगन में 2 भाग किए, फिर दूसर के फिर एक भाग में 3 भाग किए, मतलब एक बैंगन में 6 हिस्सा किए हैं, 6 भाग। और हीटर खोल लिए हैं ताकि इधर से भी मेरे को गर्मी मिलता रहे। बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी, इतना ठंडी तो पता नहीं, हमको तो नहीं समझ आता कि अगले साल पड़ा था कि नहीं पड़ा था। तो अभी बैंगन पे हम नमक छिड़क के इसको दोनों साइड से अच्छे से रगड़ लेंगे, नमक लगा लेंगे। और हम हीटर खोल दिए थे तो उस पर तवा रख दिए हैं, गर्म हो जाएगा। तो अभी तवा पे हम तेल डाल दिए हैं सरसों का और मेरा चावल हो गया। तो हीटर के भरोसे तो भाई नहीं बन सकता था, इतना कम है हीटर, दिख रहा होगा आपको, हम खोले हैं लेकिन उसमें आँच एकदम बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अभी इसको चूल्हा पे रख दिए हैं और इसमें हरी मिर्च काट करके एक ठो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, फ्राई मिर्च खाने का मज़ा ही अलग है तो दाल चावल से। तो अभी ये बैंगन को पूरा हम ऐसे रख देंगे इसमें, अभी तो दिख रहा है ना कि एक के ऊपर एक हो जा रहा है, अट नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन ये जब पकेगा तो उसके बाद ये एडजस्ट हो जाएगा बैंगन। तो अभी इसको हम बस दोनों साइड से पलट पलट करके पका लेंगे और इसके ऊपर से भी हल्का सा नमक छिड़केंगे, नमक छिड़केंगे तो ये जल्दी से गलेगा। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा लगाए हैं लेकिन बहुत हल्का लगाए हैं, अभी इसको हम दोनों साइड से
पलट करके अच्छे से पका लेंगे। ऐसे खाएंगे ना बैंगन, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हम तो ज़्यादातर ऐसे ही फ्राई करके खाते हैं बैंगन को। तो ये देखिए मेरा बैंगन एकदम फ्राई हो करके तैयार हो गया है, और हम गैस को अभी बंद कर देंगे। और ये बैंगन अच्छे से हो चुका है, अब चल रहे हैं खाना लेंगे और खाएंगे। बहुत भूख लग गया है। कल का मेरा फास्ट था, कल बृहस्पतिवार था, तो हम साईं जी का मेरा फास्ट था, तो इसलिए अभी भूख लग गया। तो अभी अब हम चल रहे हैं खाना खाने। तो ये देखिए मेरा खाना तैयार है, एकदम ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म खाना। आ जाइए आप लोग भी खाना खाने। हम रोटी नहीं लिए हैं, हम चावल ही लिए, हमको रोटी खाने का मन नहीं है। तो ये देखिए दाल, साग का चोखा, और ये बैंगन फ्राई और चावल, बहुत ही टेस्टी। और मिर्चा फ्राई बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले खाने से पहले बाहर का मौसम दिखा दे आप लोगों को। ये देखिए 10:30-11 हो रहा है और मौसम का ये हाल है, तो बताइए कहाँ निकले आदमी, क्या करे। हम खाना खा करके फिर से कंबल में घुसेंगे। तो अभी अब चल रहे हैं खाना खाने, उसके बाद कंबल में चलेंगे। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।